नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ। कोलकाता जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोलकाता जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। निर्देश बता दें कि निवेश के लिए 20 सितंबर को कोलकाता जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे, देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों से वो मिलेंगे। साल 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 7 और 8 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और उससे पहले जितने भी निवेशक हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता जाएंगे, 20 सितंबर को जाएंगे वो। उद्योगपतियों के साथ उनका संवाद होगा। 2025 में 7 और 8 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और इसके मद्देनजर बेहद ही अहम है मुख्यमंत्री का ये दौरा। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। एमपी में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है और आज कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होगी। कल प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग में भी बारिश होने वाली है। कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडौरी, मंडला में मध्यम से थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। तो मध्य प्रदेश को अभी बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी। बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है और वो भी बहुत जबरदस्त। कहीं तो रुक रुक कर बारिश होगी, तो आने वाले कल प्रदेश में जोरदार बारिश होने के आसार है। जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग में खासतौर पर बारिश होने वाली है। कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन जगहों पर भी तेज बारिश की संभावना। इसके अलावा डिंडौरी, मंडला में तो मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां बस यात्रियों से मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस स्टैंड पर यात्रियों से मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कसडोल के युवकों से मारपीट की थी। जगदलपुर के लिए जबरदस्ती बस का टिकट बनाने पर हंगामा हुआ था। रायपुर में बस यात्रियों से मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस स्टैंड पर यात्रियों से मारपीट करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 लोग हैं और चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कसडोल के युवकों से उन्होंने मारपीट की थी, क्यों की थी ये भी बता देते हैं। जगदलपुर के लिए जबरदस्ती बस का टिकट बनाने पर हंगामा शुरू हुआ जो कि मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद अब गिरफ्तारी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और पुलिस लगातार जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और भी लोग जो इसमें शामिल थे उनकी तलाश में जुट गई है।